वेलकम इन चिल्ड्रंस क्लब फॉर क्लास वन। आज हम पढ़ेंगे सिंबल ऑफ ग्रेटर देन, सिंबल ऑफ लेस देन और सिंबल ऑफ इक्वल। ठीक है, सिंबल ऑफ ग्रेटर देन बनता है इधर जिधर ओपन साइड होता है ये ग्रेटर देन होता है, और जिधर ये बंद साइड होता है ये लेस देन होता है। लेस माने कम और ग्रेटर मीन्स बड़ा। ठीक है, और इक्वल जब दो डिजिट एक ये नीचे जो बना हुआ है इस तरह देगा, आपको एग्जाम में मिलेगा या अभी आप पढ़ोगे भी क्लास में जाके, तो जब दोनों नंबर इक्वल होंगे सेम होंगे तो हम ये इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, इस स्केल की सहायता से मदद से हेल्प से हम पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर देन है और कौन सा स्मॉलर देन है या लेस देन है या इक्वल है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस नंबर को देखते हैं। नंबर में सबसे पहले है 11। 11 जो है वो हमारे जीरो से किधर आ रहा है, जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हमारा यहाँ आ रहा है, और अगला हमारा राइट साइड का जो नंबर मिल रहा है वो 8। ठीक है, तो एक नंबर हमको कहाँ मिल रहा है, जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, एट ही है, एट हमें पहले ही मिल रहा है, यानी एट छोटा है, जीरो के नियर में है, नियर में है तो लेस है, और उससे दूर जा रहा है जो नंबर वो ग्रेटर हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है, और इसलिए वो ग्रेटर देन कहलाएगा। यानी एट हमारा लेस देन है और इलेवन हमारा ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन का साइन ओपन साइड ग्रेटर की ओर होता है और वी का साइन इस तरह का लेस की ओर होता है। ठीक है, तो इस तरह हम ये निशान लगा देंगे। ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि 11 बड़ा होता है और 8 छोटा होता है, कम होता है। अगली सीरीज पे पहुंचते हैं और देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले है 12। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 यहाँ मिल रहा है और काफी जीरो से काफी दूरी में दिख रहा है। अगला इधर नंबर है 2, तो 0 1 2 2 तो बहुत नियर में मिल रहा है, यानी 12 से बहुत नियर में मिल रहा है, तो जो नियर में मिल रहा है वही स्मॉल होता है, वही लेस होता है, वही छोटा होता है, और जो दूरी में मिलता है वो बड़ा होता है और ग्रेटर होता है, उसको हम ओपन साइड रखेंगे बड़े नंबर को और ये नंबर साइन हमारा लग जाएगा। ठीक है, अगले नंबर पे पहुंचते हैं, हम देखते हैं ये क्या है। 5 0 1 2 3 4 5 5 यहाँ है, इसके बाद है यहाँ 1 5 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 तो जीरो से बहुत दूरी में मिल रहा है, जीरो से 5 पहले मिल रहा है, इसलिए ये लेस देन है, और 15 दूर मिल रहा है इसलिए ग्रेटेस्ट है, और इसलिए ये ग्रेटर देन का साइन इधर लगेगा, और ग्रेटर देन का साइन जिधर खुला बड़ा होता है उधर जाता है, लेस वाला हमारा ये भी बंद टाइप का होता है, इस तरह का बनता है। ठीक है, ये चूंकि बड़ा है इसलिए हमने ये ओपन वाला साइड रखा, और ये छोटा है इसलिए हमने ये इधर रखा हुआ है। ठीक है, आप बच्चों अगले नंबर पहुंचते हैं और इसको देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 है और 13 हमको यहाँ मिला, जीरो से काफी दूरी में मिला है, और इधर है 3 0 1 2 3 3 हमारे बहुत नियर में आ गया, जीरो के बहुत पास में ही 3 मिल गया है, और 13 चूंकि बहुत दूर मिल रहा है इसलिए ये ग्रेटेस्ट हो गया, ग्रेटर हो गया, और 3 हमारा लेस हो गया, स्मॉलर हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है, तो जो बड़ा होगा वो ओपन साइड रहेगा और हमारा फिर से ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, इस साइन का मतलब आप समझ रहे हो, ध्यान से सुनो और ध्यान से उसको समझो कि जिधर बड़ी डिजिट होगी उधर ये ओपन साइड रहेगा, जिधर की डिजिट बड़ी होगी, जिधर की ग्रेटेस्ट होगी, ग्रेटर होगी, उधर ये ओपन साइड रहेगा। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा,
और इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये साइन बहुत इम्पोर्टेंट है, बस थोड़ा सा माइंड में ध्यान से रखने का है कि किधर का लेस देन होगा और किधर का ग्रेटर देन होगा। इक्वल तो खैर देखने से समझ में आ जाएगा क्योंकि दोनों डिजिट उधर बराबर होंगी। ठीक है, तो ठीक है, जब अगर ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।